एक्चुअली अपन लाइन नहीं लग रहा भी अब ऑफ करा कुछ करना काफी थोड़ी जी बिजी हो गई थी ते आज आप एक जेड़ा ब्लॉग ले गए हैं वो अपने खाने दे होते हैं आप बना रहे हैं कि स्पाइसी ओट्स मतलब कि क्रंची ओट्स तो जी क्या सकते हो नमकी ओट्स जिदा कि आप होममेड से आप अपने घर दे विच ही बना रहे हैं कि किवें किवें बना रहे हैं की समान चाहिए तो मेरे लिए मैं सारी चीज़ तुम्हें प्रोवाइड करूँगा बहुत ही ईजी टॉपिक होगा अपना अज का जेड़ा जी ओट्स के उत्ते बना रहा तो जेडे मेरे दोस्त नवे आए अपने चैनल के उत्ते जल्दी जल्दी यूट्यूब चैनल हिटी बैक बैक फॉलोवर सब्सक्राइब कर लो ना ही बैल आइकन भी प्रेस कर लो ताकि नोटिफिकेशन भी मिलती रहन तो अच्छा आप ब्लॉग है जो शुरू कर लगे दोस्तों तुम ज़्यादा टाइम ना लेंगे तो तुम पहला ऑलरेडी दस ही चुके हैं कि जिदा अपना ब्लॉग है उसके लिए आप जो बना रहे हैं क्रंची ओट्स किमें बना रहे तो चलो आप थोड़े टाइम से स्टार्ट कर लें सारा समान वगैरह इकट्ठा कर लेंगे उतार देने प्याज ले लेने तुम दो तीन प्याज ले लेने एक हल्दी की थोड़ी जी गाजर ले लें कट लेनी है तो जेड़ा एक है टमाटर थोड़ा जहा आदा पनीर तो मटर अगर थोड़े को अवेलेबल है तो दोस्तों इन्हों मैं जल्दी जल्दी कट लैंना कट्टन तो बाद इन्हों का पहला किरण क्रश कर लेनी है कि क्रश करने तो बाद आपको दिखाने कि किमें सारा कुछ जो चीज़ा करनी पहला जिमें कि मैं प्याज कटने स्टार्ट करना तो दोस्तों प्याज आप थोड़ी थोड़ी कट लें सारा समान मैं कट के तुम जल्दी जल्दी दिखा दूँगा सारा समान किमें किमें तो दोस्तों जिमें कि मैं तुम्हें सारा कुछ दसिया अज का जो अपना समान है आप सारा कट लिया ये देखो अपने ओनियन है प्याज जिन्हों कहने कि आप अपनी कैरेट होगी गाजर होगी थोड़ी ये अदरक कट लिया ठीक है जी ये अपना टमाटर हो गए हरी मिर्च थोड़ी जी तुम इस ऐड कर लेनी है थोड़े जे मटर जे कि दाने होंगे इन्होंने थोड़ा अपना टेस्ट है जो वक्रा बन जाऊगा क्योंकि थोड़ा जहा समान है जो आप ऐड कर लिया तो इस तो बाद करना है थोड़ा जहा अपना गर्म कर लेना है कड़ाही गर्म करनी है जिसे हल्का जहा झोल तड़का ला लेना तुसी कुछ भी ये लगा सकते हो जिमें कि आप घ्यो बना रहे हैं ये तुसी तेल भी मतलब कि ऑयल भी ऐड कर सकते हो ऑयल ऐड करने का भी अलग अलग बेनीफिट ने बट जो कि मैं मैं देसी घ्यो है जो ज़्यादा पसंद है देसी घ्यो के तड़का जो लगाने हैं इस तो बाद जीरा इस तो बाद जो समान है जीरा वगैरह भी ऐड कर लेना जीरा जिम्मे तुम्हें मैं दस दिया थोड़ा हल्का जहा घ्यो गर्म हो जाता उस तो बाद जीरे का पहला आप तड़का लाना थोड़ा जहा जीरा जिमें कि आप ऐड कर लिया जीरा ऐड करने के बाद आप थोड़े जे प्याज टमाटर वगैरह का जेड़ा भी अपना समान है एक एक करके आप पाते जावे तो दोस्तों ओट्स बहुत ज़्यादा स्वाद बन लाने हैं जिन्हें भी वीर ने ओट्स खाने जल्दी जल्दी अपने ब्लॉग में सबसक्राइब कर लो तो चैनल में सबसक्राइब कर लो ब्लॉग देखो अपनी जेडे कि ओट्स है दोस्तों अच्छे आपूँ मैं ज़्यादातर प्रैफर करूँगा तो बहुत ज़्यादा हैल्दी होंगे यार एने मार्केट में बहुत जल्दी ईजीली कितने जो होंगे जाएंगे ये ओट्स आप थोड़ी जी क्वानिटी आप ऐड कर जिम्मे कि एक बकेट कह सकते हैं थोड़ा जहा ज़्यादा हो जाता इस तो बाद जो आप अपने प्याज है जो हल्के जे भुन गए माड़ा जो सारा हरी मिर्च टमाटर वगैरह सारा कुछ ये ऐड कर जेड़ा ये अपना समान है इन्हें पांच को दस सत्त मिनट थोड़ा जहाँ भुन दो हल्का जहा गर्म हो जो थोड़ा जहा क्रश हो गया मतलब वजिया जहा बन गया ना भुनिया गया चंकी तरह फिर इस बाद विद वॉटर अगर तुम नमक मिर्च वगैरह पाए तो थोड़ा जहाँ नमक की क्वालिटी है जी अपने हिसाब से पा लो पर मैं नमक थोड़ा घट ही वजिया लगता है
इस तो बाद खाने के वधिया कुछ होर चीज़ा ऐड करने जिमें कि तुम मैं पास्ता मसाला दिखाता कि पास्ता मसाला अपना पास्ता मसाला भी तुम्हें ये थोड़ा जहा ऐड कर सकते पास्ता मसाला ऐड करा ये खाने इदा होना कि जो अपना है समान अपने होर से बन जाए थोड़े क्रंची के टेस्टी बन जाने ज़्यादा नहीं मतलब अद्धी पूरी है जी पैकेट तुम्हें ये ऐड कर लेना उस तो बाद थोड़ा जहा हल्का जहा हिला लेना मसाला है जोड़ा कि अपना भुनिया जाए जो भुनिया गया उस तो बाद थोड़े जे टमाटर है जेडे मटर है जो ऐड कर देने मटर ऐड करने तो बाद थोड़ा जहा स्लो कर देने स्लो करने बाद जो अपना समान है ओट्स है प्यानी वगैरह आप ऐड कर देना जिम्मे कि तड़का अपना थोड़ा भुनिया गया इस तो बाद पहले थोड़ा जहा वाटर है जो पानी थोड़ा ऐड कर देना ता जो अपना तड़का जो भुनिया जाए जमीन में इन दो तो तीन मिनट जो कि स्लोली रख देना उन्हें स्लो कर दो ये थोड़ा जहा स्लो दे इन पकन दो थोड़ा जहा गर्म हो थोड़ा हीट लगेगा थोड़ा समान जो मतलब कि नरम हो जाएगा इस तो बाद ओट्स ऐड कर देंगे ओट्स ऐड करने तो बाद भी आप कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हैं ओट्स बनने तो बाद जिम्मे कि ड्राई फ्रूट्स वगैरह हो गए पीनट्स हो गए काफ़ी चीज़ा हो जाए जिम्मे कि क्रंची सीड्स हो गए चिया सीड्स वगैरह जो भी तुम खाना पसंद कर दो क्रेज लै जाएगी तो दोस्तों जिमें कि अपना समान है जोड़ा तड़का थोड़ा जहा अपना हल्का जहाँ भुजिया गया देखो जिमें कि तुम दिखा रहे इदा जो हो गया मटर अपने थोड़े जे हल्के जे नरम हो जाएंगे मटर नरम होने तो बाद जो अपना है नैक्सट प्रोसैस है जी कि आप ओट्स लै लेना एक बकेट तुम ओट्स मतलब कि छोटी जी बाउल जी ओट्स भी लै लेनी है ये पानी कि ऐड करना इस तो डबल जिन्ना ओट्स लाओगे उस तो डबल वाटर है जोड़ा कि ऐड करना जिमें कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल ओट्स है जो ऐड कर इस तो बाद आप जो कि डबल वो ऐड कर हल्ले दे विच तुसीं बाउल होर ऐड कर देनी है इदा दोस्तों तुसीं इहदे विच जिहड़ियां कि दो बॉल्स हैगियां जिहड़ियां कि कोलियां मतलब कि पानी दियां ऐड कर देनियां इस तो बाद इसनों थोड़ा जहा हल्का जहा हिला देना उस तो बाद अपना गैस जिहड़ा चुल्हा है तुहाडा फुल करके इहनू हल्का जहा थोड़े टाइम लई रख देना 10 तो 15 ਦੇ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਓਟਸ ਹੈ ਰੈਡੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਓਟਸ ਆਪਣੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ ਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੇਸਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਟੇਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਫਿਲਹਾਲ ਬਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂੰਗਾ ਕਿ ਟੇਸਟ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਓਟਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਆਪਣੀ ਇਹਦੀ ਬੈਕਟਾਈਮ ਵਲੌਗ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਕਿ ਓਟਸ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਖਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਓਟਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੈਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ खाने के देख रहे आप टेस्ट किए लग रहा वैसे मेरे हिसाब से वधिया टेस्टी होना ओट्स वाओ अल्टीमेट ओट्स मिठे के नमकीन ओट्स के बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट डिफरेंस है आप ओट्स थोड़े जे अपने खाने के लिए अपने कट लें बाउल ले लेनी है थोड़ी जी वही सारी जिमें कि आप ओट्स थोड़े जे कर लेंगे तो वो जो आप होर समान पा रहे मतलब ऐड कर लेंगे जिम्मे मैं बहुत ज़्यादा पसंद है तो ओट्स मील है जी 10 to 11 बजे मतलब ब्रेकफास्ट के लिए भी लै सकते हो ओट्स मील में ये आप कुछ ऐड करना ऐड कर लिए कला एग्स है कट्टे हुए मतलब क्रंच एग्स थोड़े जी ऐड कर सकते हो जिम्मे कि आप थोड़े जे उपर आप एग्स छिड़क लेंगे एक स्लाइस पनीर की मतलब हल्की हल्की बरीक बरीक जी स्लाइस है जी पनीर की वो कट के ऐड कर लो ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਲਦੀ ਜਾਂ ਫਿੱਟ ਰਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਐਂਡ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਵਿਟਾਮਿਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਐਡਜ਼ ਐਕਟਿਵ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਆ ਸੀਡਸ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ
ਜਿਹੜਾ ਚੀਆ ਸੀਡ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਓਟਸ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਚੀਆ ਸੀਡਸ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਚੀਆ ਸੀਡਸ ਐਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਚੀਆ ਸੀਡਸ ਐਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਈਨਲੀ ਆਪਣੇ ਓਟਸ ਰੈਡੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਟੇ ਮਤਲਬ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਨੂੰ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਓਟਸ ਆਪਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਨਪਸੰਦੀਦਾ ਸੋਸਿਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਪਾਈਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਾਂ ਸਪਾਈਸੀ ਬਣਾਇਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਰਚੀ ਸੌਸ ਬਣੇਗੀ, ਸਵੀਟ ਸੌਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ, ਟਮਾਟੋ ਸੌਸ ਐਂਡ ਚਿੱਲੀ ਸੌਸ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਓਨੀਅਨ ਸੌਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਟ ਆਈ ਲਾਈਕ ਸਪਾਈਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਟੋਪਿਕ ਸੀਗਾ ਸਪਾਈਸੀ ਓਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਓਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਨ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਰੈਡੀ ਕਰਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨਵੇਂ ਆਏ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ, ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਬੜੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਓਟਸ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਓਟਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੇਸਟੀ ਬਣੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਖਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਓਟਸ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸਟ ਹੈ ਓਟਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਓਟਸ। ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨਵੇਂ ਆ, ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਬੈਕ ਬੈਕ